गृह मंत्री है वो RIC पहुंच चुके हैं, काफिला जो है वो अंदर पहुंच चुका है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था है। आप तस्वीरें आप यहाँ देख रहे हैं कि जो काफिले की के वाहन है वो अंदर RIC में प्रवेश वो कर रहे हैं। हालांकि दूर अंदर जो मीडिया की एंट्री नहीं होने के चलते दूर से ही जो तस्वीरें हम जो दर्शकों को यहाँ दिखाना चाहेंगे कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो काफिला है वो RIC के अंदर जो पहुंच चुका है, तो पूरी व्यवस्थाएं हैं। और अब कुछ ही देर में उद्घाटन सत्र है, वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में होगा, जिसमें राजस्थान के DGP UR साहू वो जो अपना जो उद्बोधन देंगे, साथ ही इस उद्घाटन के सत्र के दौरान अपना जो UR साहू अपना प्रेजेंटेशन देंगे। इसके साथ ही जो साहू की जो प्रेजेंटेशन होगा उसके ऊपर विस्तृत चर्चा की जाएगी। उद्घाटन सत्र की जो पूरी तैयारियां हैं वो हो चुकी है, कुछ देर में उद्घाटन सत्र शुरू होगा। और आज जिस तरह से केमिकल वेपन्स है, सोशल मीडिया जैसे विषयों पर चर्चा भी की जाएगी, क्योंकि गंभीर जो विषय है, चाहे देश की सुरक्षा क्या हो या फिर आंतरिक सुरक्षा का मामला हो या फिर जो सीमावर्ती राज्यों में और सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से माकूल की जाए ताकि जो बाहरी आतंक जो आक्रमण के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो, इस सबको लेकर चर्चा है वो पहले से यहाँ की जा रही है। जो 3 दिवसीय जो ये कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर चाहे साइबर अपराध से जुड़ी हुए मामले हो या फिर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था, प्रौद्योगिकी, आतंकवाद की चुनौतियाँ क्या क्या है, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार में किस तरह से और अधिक नवाचार किए जा सके, आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा, सभी जो राज्यों के जो DGP अपना विचार विमर्श होगा और कितने सेशंस में होगा। 3 दिन ये कॉन्फ्रेंस चलने वाली है, कौन कौन से सेशंस होने वाले हैं, किन किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली है और क्या उसको लेकर कोई विशेष लोग, विशेष वक्ता बुलाए गए हैं, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी। देखिए, जो आंतरिक सुरक्षा को और बाहरी सुरक्षा को लेकर जो मुख्य रूप से जो मामला है उन सबको लेकर चर्चा यहाँ की जाएगी। 3 दिवसीय जो कॉन्फ्रेंस की बात करें तो आज उद्घाटन सत्र के बाद कई सत्र होंगे जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें मौजूद रहेंगे, साथ ही जो राजस्थान के DGP UR साहू आज अपना प्रेजेंटेशन देंगे, उसके ऊपर जो UP और हरियाणा के जो DGP वो चर्चा करेंगे और अन्य जो प्रतिनिधिमंडल आए हुए हैं वो भी अपना अपना वो प्रेजेंटेशन के बाद दे सकते हैं। साथ ही जो जेल सुधार हो या फिर प्रौद्योगिकी नवाचार हो या फिर जो साइबर क्राइम, सोशल क्राइम और जो डीपफेक जैसे जो कई मामले हैं, चाहे सोशल मीडिया जो साइबर जो क्राइम हो, इन सब के ऊपर विस्तृत चर्चा वो की जाए, क्योंकि राजस्थान जो एक ऐसा देश है जिसमें सबसे अधिक जो इंटेलिजेंस का उपयोग हो या फिर सोशल मीडिया का उपयोग किया जाता है, तो उस दौरान जो सोशल मीडिया के ऊपर जो क्राइम होने जो बढ़ रहे हैं लगातार, जो IT से संबंधित, जो इंटेलिजेंस से संबंधित जो क्राइम बढ़ रहे हैं, इन सबको किस तरह से रोकथाम हो सकी, इन सबको चर्चा है वो इसमें की जा रही है। लगातार जो पहले से ही सभी राज्यों के DGP को अपना अपना जो प्रेजेंटेशन देने के लिए विषय दिए गए थे उन पर चर्चा है वो की जा रही है। तस्वीरें भी मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि जो प्रोटोकॉल है वो यहाँ कॉन्फ्रेंस के बाहर जो देखने को मिल सकता है यहाँ। और तस्वीरें आप यहाँ देख रहे हैं कि जो केंद्रीय गृह मंत्री का जो काफिला यहाँ पहुँचा उसके बाद जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो यहाँ और अधिक माकूल है, वो की जा चुकी है। अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं वो SPG की ओर से संभाली हुई, साथ ही जो त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा है वो RIC के चारों तरफ है वो लगाया गया है। तो इस तरह से आज से जो कॉन्फ्रेंस जो शुरू हो रही है इसमें विशेष इंतजाम सुरक्षा को लेकर किए जा रहे हैं, चाहे आंतरिक सुरक्षा की बात या फिर जो राज्यों के अंदर किस तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं, जो चुनौतियां किस किस तरह की है सुरक्षा में, उन सबको लेकर चर्चा की जाए। साथ ही कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन सेशंस में भाग लेंगे, सुबह 8 बजे से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मौजूद रहेंगे, करीब 12 घंटे इन सेशंस के अंदर मौजूद रहेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की बात हो या फिर गृह मंत्री की बात हो, जो लगातार जो सेशंस होंगे उन सेशंस में चर्चाएं हैं वो अलग अलग स्तर पर की जाएगी। इन चर्चाओं के अंदर हर एक मुद्दे पर चर्चा की जाएगी जिसके ऊपर कोई चूक हो। देखिए, चाहे राज्यों की बात हो या फिर जो अन्य राजस्थान की बात हो या अन्य राज्यों की बात हो, हर जगह सुरक्षा माकूल रहे, सुरक्षा में किस तरह की चूक नहीं हो, इन सब के ऊपर चर्चा है वो की जाएगी। जिस तरह से PM
मोदी का जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है वो भी यहाँ आ चुका है। साथ ही जो कल पीएम मोदी कॉन्फ्रेंस में सुबह 8:05 पर राजभवन से रवाना होंगे, 8:15 पर RSS सेंटर पहुँचेंगे, यहाँ DGIG कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। पीएम मोदी करीब 12 घंटे इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे और इसके बाद रात 8 RIC से निकलेंगे। तो 3 दिवसीय जो पीएम मोदी का जो दौरा है तो वो भी इस दौरान यहाँ मौजूद रहेंगे। कल जो बड़ा करीब 12 घंटे का जो सेशन यहाँ होंगे उनके अंदर अन्य राज्यों के जो DG है उनसे सभी राज्यों के अलग अलग मुद्दों के ऊपर सभी राज्यों के DG को समय दिया जाएगा, जो अपने अपने राज्यों की जो आंतरिक सुरक्षा को या फिर सुरक्षा में और किस तरह की समस्याएं आ रही है, कौन कौन सी जो चुनौतियां हैं उन सबको लेकर अपना अपना जो सुझाव वो देंगे। तो हर एक मुद्दे के ऊपर यहाँ इन कॉन्फ्रेंस के अंदर चर्चा होगी। देश भर के जो IGO DG इस तरह के जो अधिकारी है वो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल हो रहे, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था और अधिक माकुल के हर एक सुरक्षा में किसी तरह की चूक नहीं हो, चाहे जेल सुधार को लेकर या फिर जो नए जो वेपन्स के ऊपर उनका उपयोग किस तरह से किया जाए इनके ऊपर चर्चा हो, या फिर नए कानूनों में और किस तरह से संशोधन किया जा सके, नए कानून है वो और देश की सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चाक चौबंद हो उसके लिए कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हो रही है और उस पर ही चर्चा भी होने वाली है। लोकेश फिर से मैं आपके पास आऊंगा, फिलहाल एयरपोर्ट पर हमारे सहयोगी गौरव गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, इस समय एयरपोर्ट पर आप मौजूद हैं, मुख्यमंत्री भी एयरपोर्ट पहुंचे थे गृह मंत्री को रिसीव करने के लिए, क्या कुछ तस्वीरें, क्या मुख्यमंत्री निकल चुके हैं वहां से? गौरव मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? गौरव से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल स्टेट हैंगर जयपुर की तस्वीरें आप सीधे अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर अभी मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। गृहमंत्री अमित शाह जयपुर पहुंच चुके हैं, RIC पहुंचेंगे और आज DGIG कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन आज गृहमंत्री करने वाले हैं। आपको बता दें शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंचेंगे, तो भव्य स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है राजस्थान और खासतौर पर राजधानी जयपुर। DGIG कॉन्फ्रेंस यहां पर हो रही है, 72 डेलीगेट्स पूरे देश भर से आने वाले हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं BJP मुख्यालय से। लाल सिंह, अमित शाह जयपुर पहुंच चुके हैं, तैयारियां आपने बताई कि बहुत भव्य तैयारियां इस समय BJP मुख्यालय पर की हुई है, प्रधानमंत्री भी BJP मुख्यालय पहुंचेंगे, क्या गृहमंत्री का भी ऐसा कुछ कार्यक्रम है, उनके कार्यक्रमों को लेकर क्या कुछ अपडेट? खबर आ रही है सौरभ, बड़ी खबर आ रही है, विभागों का बंटवारा हो गया है, कुछ ही देर में किसको क्या विभाग मिलेगा ये तस्वीर साफ हो जाएगी। आप देखिए पीएम मोदी के दौरे से पहले कल एक और जहां वो राइडर खत्म कर दिया था, अब CBI की टीम राज्य में किसी भी मामले की जांच कर सकती है। इसके बाद आज जो पीएम मोदी के दौरे से पहला जो खबर सामने आ रही है वो है कि विभागों का बंटवारा हो गया है, मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो गया है, कुछ ही देर बाद ये पता लग जाएगा किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है, ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं आपको सौरभ जी। तो ये बड़ी खबर है वाकई में लाल सिंह, लंबे समय से इंतजार था मंत्रिमंडल का, मंत्रिमंडल का गठन हुआ, फिर विभागों का बंटवारे का इंतजार था, तो अब ये बड़ी खबर। दर्शकों को भी बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की मंत्रिमंडल के जो विभाग है सभी मंत्रियों को आज किसी भी क्षण अलॉट कर दिए जाएंगे। स्टेट हैंगर की अब लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर कैबिनेट मंत्री इस समय स्टेट हैंगर पर मौजूद है, कई पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस समय स्टेट हैंगर पर मौजूद हैं, लगातार मेहमानों के आने का सिलसिला, और गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर पहले स्टेट हैंगर से यहां से रवाना हुए थे, RIC में आज वो जाएंगे जहां पर DGIG कॉन्फ्रेंस का वो उद्घाटन करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक के बाद एक मेहमान अब जयपुर पहुंच रहे हैं। स्टेट हैंगर की तस्वीर है जहां पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अब स्टेट हैंगर से रवाना होते हुए, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की तस्वीर है, तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी इस समय अतिथियों को रिसीव करने के लिए स्टेट हैंगर पर मौजूद है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी स्टेट हैंगर पर मौजूद है, और कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई गृहमंत्री अमित शाह की।